अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब? क्या हैं सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक हो? यहाँ के जो बाइकर्स हैं ना, आजकल के यंग बाइकर्स, उनको तो अल्लाह ही हिदायत है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी टाइम है सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का, और मैं जा रही हूँ अपने घर फाइनली। तो मैंने कहा छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूँ। बड़ी हल्की हल्की सी धूप है, हल्की हल्की सी हवा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। सुबह सुबह उठना ना मुझे किसी अजाब से कम नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, उठना पड़ता है। अच्छा, घर आने के बाद ना मैं थोड़ा सो गई थी, क्योंकि आपको पता है ना कि मैच्योर इंसान हो जाता है जब, तो उसको अपने बेड के अलावा कहीं पे भी नींद नहीं आती। सबसे पहले ओए माशाल्लाह गैस तो फुल आ रही है। अपने बेड के अलावा ना कहीं पे भी नींद नहीं आती है, इसलिए 2 दिन जो है ना वो मैंने काफ़ी मतलब बेचैनी में गुजारे, मुझे सही नींद नहीं आ रही थी। तो अभी जो है ना वो हम चाय बनाएंगे। चाहते हुए ना किन्नू मैं फ्रिज में रख गई थी कि ये ना ये ख़राब हो जाए बाहर, क्योंकि अब फैसलाबाद में ना मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। है कितना सुकून मिलता है ना जब आप घर वापस आएँ तो आपका किचन इस तरीके से साफ़ हो। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं मम्मा के घर से वापस आती हूँ नौफल्ला, तब तो मेरे किचन में तबाही होती है, तबाही। लेकिन अभी मैं ससुराल जाने से पहले जो है ना वो साफ करवा, मतलब पूरा साफ करके चली गई थी, और बाप भी सफाई करके चली गई थी, तो अब बिल्कुल क्लीन पड़ा है। तो मैं बनाऊँगी थोड़ी सी चाय, और साथ में एज़ यूजल मैं रस लूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी। अच्छा, बहुत से लोग ना मुझे कहते हैं कि यार हमें बहुत अच्छी लगती है कि तुम पानी जो है ना, पानी पीने की तुम्हारी रूटीन काफ़ी अच्छी है। तो भाई आप लोग भी ज़रूर पिया करें, मुझे खुशी तब ज़्यादा होगी जब आप लोग बोलेंगे कि भाई मलिहा तुम्हारे देख देखी हमने भी पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ना ये इंस्पायरेशन मिली आयशा उमर से। एक दफ़ा मैं उनका कोई इंटरव्यू देख रही थी, तो उनसे सवाल किया गया कि आपकी स्किन काफ़ी क्लियर है, आप क्या यूज़ करती हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत साफ़ है। तो तब से मैंने सोचा कि यार इतना पानी पीती है, इतनी इसकी स्किन साफ़ है, तो मैं भी यही टेक्निक करती हूँ, मैं भी पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। ठीक है, हमारी उनकी जितनी नहीं, उनकी जितनी क्या, क्योंकि वो जो हैं ग्लैमरस की दुनिया से हैं, और फिर वो एक सेलिब्रिटीज़ हैं, उनमें और हमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क वो है जो कि इंसानों ने खुद बनाया है, अल्लाह ने तो कोई फ़र्क नहीं बनाया। लेकिन एक बात है, इंस्पायरेशन होनी चाहिए इंसान को, कहीं से भी मिल सकती है। अब मुझे उसके साथ मिल गई, तो मैंने तब से जो है ना पानी को अपना जानू बना लिया, इसके बगैर फिर मैं नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीनी पत्ती डाल दी, चीनी थोड़ी ज़्यादा ही ठोक दी है। मुझे ना समझ नहीं आती है कि चाय में चीनी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, चाय का क्या फ्लेवर होता है, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, क्योंकि मैं पीती ही नहीं, सिर्फ इसमें रस डिप करके खाऊंगी जो बच जाएगी। अगर मैं कहीं और हूँ तो अगर बच जाए तो मैं बच्चों को डाल देती हूँ कि भाई तुम लोग खा पी लो इसको, और अपने घर में हूँ तो फिर तो बस मैं इसमें चाय की ना वो खिचड़ी सी बना के खा, सॉरी रस की खिचड़ी सी बना के खा लेती हूँ। और आज मैं देख रही हूँ कि आज मैं बनाऊँ क्या। एक तो रोज़ का ना ये बहुत मसला है कि भाई आज बनाया क्या जाए। फ्रिज में मुझे लग रहा था कि गोभी पड़ी हुई है, तो आज जो है ना वो मैं यही बनाऊँगी। एंड यू नो व्हाट, आई लव गोभी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, नाश्ता बन गया। रस जो है ना वो मैंने पहले ही रख दी थी, रस की रस की भी तो पूरी बोरी ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि घर बिल्कुल साफ पड़ा है, तो आज करने को ना कुछ ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास, सिर्फ हांडी बनानी है, आटा भी गूंदा हुआ है। और इसके बाद आज मैं सोच रही थी कि मैं ना जो अपने मेकअप ब्रशेस हैं और जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं उनको मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर मेरी कज़न की शादी है, और वो मुझे काफ़ी अर्से से बहुत लग रहा था कि यार अब इनको ज़रूरत है कि इनको धोया जाए। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तो मेरा यूज़ होता नहीं है, लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि ये इसको मैं धो लूँ। तो आज मैं आपको, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि यार हम अपने मेकअप ब्रश। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो है ना वो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा पानी ले लिया गर्म, और थोड़ा सा उसमें मिक्स किया ठंडा पानी को। बहुत ज़्यादा आपने गर्म भी नहीं रखना कि खोलता हुआ उबलते हुए पानी में जो है ना वो आप लोग अपने डाल दें, चीज़ें डाल दें, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बस इतना गर्म हो जितना आप आसानी से आपकी अपनी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, उतना पानी लेके ये देखिए ये सारे ब्रशेज़ हैं। ठीक है, इन सब ब्रशेज़ को मैं निकालूंगी, और इसको भी हम लोग नीचे से साफ़ करेंगे। इन सब ब्रशेज़ को जो है ना वो मैंने इसके अंदर, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि इसको धोना कैसे है। आपने ले लेना है कोई सा भी बॉडी वॉश,
या फिर हैंड वॉश। सर्फ बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि सर्फ में आपको पता है बहुत ज्यादा हार्श किस्म के केमिकल्स होते हैं, तो वो जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ब्रशेज जो है वो आपने अपनी स्किन पे इस्तेमाल करने हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जिसके पास बॉडी वॉश नहीं है वो हैंड वॉश यूज़ करे, और अगर जिसके पास हैंड वॉश भी नहीं है तो वो ख़रीद के लाए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग शैम्पू यूज़ कर लें, क्योंकि शैम्पू में भी केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास ये लक्स का बॉडी वॉश था, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप लोग ये ख़रीद लें, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और वैसे भी आगे अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो उनका तो फिर ये हो जाएगा, ज़ाया नहीं जाएगा। अच्छा, ये अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लिया। अब सारे ब्रशेज जो है ना उठा के मैं इसमें डिप कर दूंगी यूं, ठीक है, यूं सारे, बल्कि ये पूरी ही चलेगी अंदर, चलें कोई नहीं। और ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ये भी हम इनके अंदर डाल देंगे, सोप कर देंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। देखें अभी ना सिर्फ मैंने इसे सोक किया और नीचे से इसका पानी, देखें भाई, तभी तो बेचारी लड़कियां बड़ी बदनाम है मेकअप के लिए। बट ये तो बड़ी गलत बात है भाई, अब लड़कियों के लिए मेकअप बने उन्होंने इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें दिखाना चाहती थी कि ये देखें ब्यूटी ब्लेंडर का जो साइज़ है ना वो डबल हो गया है, ये इसकी अच्छी क्वालिटी होने की निशानी है, ठीक है। तो अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कहाँ से लिया था, अगर इसकी पैकिंग हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, या शायद मेकअप प्रोडक्ट्स वाली वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है कि ये मैंने कहाँ से लिया था। यहाँ पे ना मैं करने लगी हूँ पैक, अनपैक अपनी चीज़ों को जो कि मैं लेकर गई हुई थी। एक तो पैकिंग करने में मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी होती है और बहुत मज़ा भी आता है कि यार बस अच्छी सी पैकिंग हो जाए, कुछ रह ना जाए एंड ऑल। खोलते वक्त ना मुझे उतनी मौत आती है, तो इसे अनपैक करूँगी और उसके बाद मैं नमाज पढ़ूँगी और देन आपको मैं एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ आज। अच्छा, यहाँ गोभी मैंने काट के जल्दी जल्दी रख ली थी, गैस आ रही थी तो मैंने सोचा हांडी बना लूँ, लेकिन गैस भी ना मेरी रूठी हुई बीवी है फ़ौरन से चली गई है, तो अब जो है वो मैंने इसको काट तो लिया है, इसको थोड़ी देर भिगो के रख रही हूँ। और ये देखें जी यहाँ पे क्या हशर हो गया इनका। अच्छा, ये देखें इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो पहले मैं मिक्स करूँगी, मतलब इनको हम मलेंगे। ये दो चार बर्तन मेरे पड़े हैं ये जो मैंने भी धोए, इनको अच्छे तरीके से हम लोग ऐसे करेंगे ताकि ब्रशेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा हमारा लगा हुआ है तो मेकअप वो निकल जाए, ठीक है। इनको भी हम अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, ये देखें, और ये देखें बहुत सॉफ्ट है ये और बहुत रिजनेबल भी है ये। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे ब्रांड से जो है ना। अच्छा, अब ये वाला जो सारा पानी है ना ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी यहाँ पे, और इसके अंदर से दोबारा मैं पानी ऐड करूंगी। वो साला सारा पानी निकालने के बाद मैंने इसके अंदर जो है वो हल्का गर्म पानी दोबारा से ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको भी हम लोग अब मज़ीद जो है वो आधा घंटे इसको हम भिगो के रखेंगे। देखिए कितना कचरा निकल रहा है अल्लाह। तो जनाब, गैस तो अभी तक आई नहीं है और मैं जो हूँ ना अब यहाँ पर आ गई हूँ अपने लाउंज के कॉर्नर में। मैंने सोचा कि यार इस जगह को थोड़ी डस्टिंग की ज़रूरत है तो ये मैं साफ़ कर लूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं जो ये डस्टिंग है ना पानी के अंदर मैंने सर्फ नहीं मिक्स किया हुआ। कुछ लोग सर्फ मिक्स करके रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सर्फ वाले पानी से जब आप ये सोफ़े साफ़ करेंगे या ये कॉर्नर्स वगैरह आप साफ़ करेंगे तो इन पर वाइट वाइट धब्बे लग जाते हैं। मैं इसके अंदर डालती हूँ डिश वॉशिंग सोप, लेमन मिक्स या जो भी आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दूर से दिखाना चाह रही थी, जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि मैंने इस तरीके से कॉर्नर्स बनाए हुए हैं। जब तो मेरा ये वाला बना था ना इस्त्री स्टैंड, तो इसके साथ कुछ वुड्स, क्योंकि जब मैं इस घर में आई तो सामने वाले रूम में अलमारी नहीं थी, वो अलमारी बनी और इस ये मेरा इस्त्री स्टैंड बना। इन दोनों चीज़ों के बनने के बाद, अच्छा ये जो दोनों चीज़ें थी ये वुड वगैरह मेरे हस्बैंड खुद लेकर आए थे, और घर पर आके जो है ना हमारे कुछ लोग मतलब बाजार के कुछ बंदे थे जानने वाले, उन्होंने घर में बैठ के बनाई थी ये चीज़ें। तो ये जब घर में बैठ के उन्होंने बनाई, उनसे क्या हुआ कि ये वाली थोड़ी सी लकड़ी बच गई, तो मैंने कहा कि ये तो इस तरीके से अगर पड़ी रही तो पानी वगैरह लग लग के ख़राब हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनको एक जो
अंकल थे जो ये चीज़ें बना रहे थे, उनको मैंने कहा कि जो लकड़ी बच गई है उसमें से आप मुझे ये, मैंने उनको ना गूगल से निकाल के दिखाया कि ये मुझे कॉर्नर्स में आप बना के लगा दें, इसके ऊपर जो है वो ऊपर मैंने डेकोरेशंस रख दिए और नीचे मैंने ये जार्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अब गर्मियाँ आएंगी तो मैं इनमें टॉफ़ीज़ और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें डाल के रख दूँगी, नीमको एंड इस तरह की चीज़ें रख दी हैं कि कोई आए तो फ़ौरन आप यहाँ से, और ये अच्छी भी बहुत लगती हैं कॉर्नर में। एक ये चीज़ मैंने बनवाई और एक वो सामने आप देख रहे हैं, बल्कि मैं करीब से जाके दिखाती हूँ, ये मैंने एक स्टैंड बनवा लिया था इनसे। ये भी मैंने ना एक ड्रामे में देखा था इस तरीके से। अब उसके ऊपर उन्होंने कुछ बुक्स वगैरह एंड डेकोरेशंस रखी हुई थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया यार मैं इसके ऊपर क्या रखूँ क्या रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने सारी जानेमाज़ें, क्योंकि जानेमाज़ों का ना कोई रैंक नहीं था मेरे पास, मैंने वहाँ पर ये सारी जानेमाज़ें जोड़ के रख दी हैं। और ये जो बाउल्स हैं इनके अंदर मैंने क्या किया, तस्बीहें वगैरह रख दी हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और एक चीज़ जो है वो मेरे रूम में है, ये भी मैंने खुद बनवाया है, अगर आपको नज़र आ रहा है ये जो सामने है ना, ये भी मैंने इन लकड़ियों, बची हुई लकड़ियों से उनको डिज़ाइन देके बनवा लिया था। और ये अब इस किस्म का है जो वॉल के अंदर फिक्स नहीं है, ये सारी ये जो ये भी लगा है और जो बाहर भी लगा हुआ है, ये सब वो है जो कि मैं अगर घर में शिफ्टिंग करूँ या कुछ, अगर मेरे यहाँ से उतारने का मूड है तो ये मैं उतार के इनको दोबारा कहीं और पर भी लगा सकती हूँ। अच्छा, अब इस वाले शॉवर से मैं इन फ्लावर्स को भी शॉवर दे दूंगी ताकि ये थोड़े से साफ़ हो जाएं, और इससे जो है वो मैं ये सारी जगह भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये जो फ्लावर्स है ना, इसको उतार के धोने का मुझे बहुत ही कोई रोला लगता है, क्योंकि ये नीचे इसके वो लगा हुआ है, एक प्रॉपर से थर्मापोल लगा हुआ है उसके ऊपर ये लगे हुए, तो मैं कहती हूँ उतार लूँ फिर इन्हें जोड़ेगा कौन। चाहिए ना, यहाँ मैं आपको साफ करके दिखाऊंगी कि इसको साफ करने के बाद भी इसके ऊपर कोई धब्बा धब्बा शबा कुछ भी नहीं आया। ये देखें, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, ठीक है। तो जी, ये वो वाला स्टैंड है जो वीडियो, मेरी रूम की जो वीडियो है वो कुछ लोगों ने देख के बोली कि भाई कॉर्नर में जो चीज़ पड़ी हुई थी वो हमें लाजमी दिखाएं, तो ये था वो स्टैंड। इसको भी अब जो है ना वो मैं इससे अच्छे तरीके से साफ करके इसको सेट करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। इसकी स्टोरी ये है कि मेरे पास था एक कॉर्नर स्टैंड, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इसको कहाँ पे लेके सेट करूँ, तो इसको मैंने यहाँ बिल्कुल ड्रेसिंग के साथ रख दिया और इसके ऊपर थोड़े से नेल पेंट्स, ये बॉडी मिस्ट और स्प्रे वगैरह, और नीचे जो है वो मैंने अपनी स्किन केयर की थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने सजा के यहाँ पर रख दी हैं, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो पूरे स्टैंड को मैंने अच्छे से साफ करके फिट सा जो है ना यहाँ पे रख दिया, अच्छा बिल्कुल जो है ना वो ड्रेसिंग के बिल्कुल साथ, ताकि मुश्किल ना। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि मैं एक वीडियो बना के अपनी खाला को दिखाई थी यहाँ ड्रेसिंग के सामने खड़ी होके, कोई मैंने ड्रेस पहना उनको ट्राई करके, अब उनका मुझे मैसेज आया कि यार प्लीज़ डोंट माइंड, बट तुमसे ज़्यादा ध्यान मेरा उस कॉर्नर स्टैंड पर चले गए, मुझे वो दिखाओ कि वो क्या चीज़ है। तो खाला, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ना मैंने शुक्र किया कि थोड़ी बहुत गैस आ रही थी, असर का टाइम है, तो मैंने फटाफट हांडी चढ़ा दी, क्योंकि ना मैंने कहा ये ना हो फिर से गैस चली जाए तो मैं क्या करूँगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, शाम के खाने के लिए मैं गोभी बना रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोग, मतलब मोस्टली लोग शाम के खाने में कोई सब्ज़ी पसंद नहीं करते, उनका ये कहना होता है कि जी सब्ज़ी गैस कर जाती है, स्पेशली इस टाइप की ये गोभी हो गई या शलजम या इस टाइप की सब्ज़ी। मैं जो हूँ ना वो सब्ज़ी वगैरह जो भी चने पुलाव सब कुछ रात में बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो शाम में आते हैं। अब दोपहर में मैं अकेले होती हूँ तो मेरी दोपहर को खाने पीने की कोई इतनी रूटीन नहीं है। शुमाइला आई हुई थी तो उसके साथ जो है ना वो मैं फिर भी थोड़ा बहुत दोपहर में खा लेती थी। लेकिन आज जो मैं आपको गोभी की रेसिपी देने वाली हूँ ना, उस पर मैं आपको अपनी मम्मा की एक दो टिप्स ऐसी दूँगी कि जिसकी वजह से ना तो आपकी गोभी लाइक गैस वाली बनेगी, जिन लोगों को मसला होता है ना कि भाई गोभी खाने के बाद हमारे पेट में गैस हो जाती है या हमें वो हजम नहीं होती है, पेट में दर्द होता है या मैदे में दर्द होता है, ये जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी ना कि इस ट्रिप के साथ अगर आपने गोभी बनाई ना, तो ना तो आपको इस तरह की पेट में दर्द वगैरह की कोई शिकायत होगी, ना आपको कोई गैस का मसला होगा। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये दो टिप्स जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहली टिप उसमें यह है कि आपने गोभी को काट के 10 मिनट्स इसको लाजमी भिगोना है। अच्छा, मैंने आलू भी बीच में डाल दें क्योंकि मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, आप लोग नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालें। उसके बाद क्या करना है कि पानी में आपने गोभी को डाल के सिर्फ इसको एक उबाला देना है, बस एक उबाले के बाद इसके ऊपर झाग वगैरह इकट्ठी होगी, वो सारा हम स्टेन कर देंगे। ये थी इसकी पहली टिप, ठीक है। इस तरीके से अगर आप गोभी बनाएंगे ना तो बस आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, कोई गैस वैस भी नहीं, चाहे आप रात में खाएं दिन में खाएं सुबह नाश्ते में पराठे बना कर दें। नहीं, वैसे ही कह रही हूँ, ये ना आपके सारे बच्चे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, जी आपने हमारी मम्मा को क्या सिखा दी, अब तो सुबह शाम हमें गोभी के पराठे खाने को मिल रहे हैं।
लेकिन बस आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ना अब मैं आ गई हूँ अपने ब्रशेस की तरफ, जिन बेचारों पे अच्छा खासा तशद्दुद हो चुका है, इनको जो है वो मैं अब इस तरीके से धोने लगी हूँ। ठीक है, इसको इस तरीके से करना है ताकि ये सारा या कचरा वचरा निकल जाए, इनको अच्छे तरीके से धो के। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, सारे ब्रशेस को मैंने अब एक दफ़ा से फिर से क्लीन पानी में, इनको भी मैंने अच्छे तरीके से अलग से पकड़ पकड़ के धोया है कि इसके अंदर से जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सिर्फ एक ड्रॉप, जस्ट वन ड्रॉप मैं इसके अंदर डालूँगी डिटॉल का, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो जस्ट आप खुद नहीं, बहुत से लोग आपकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं शादी ब्याह में, पार्टीज़ में, या कोई आपके घर आए, तो इनको एक दफ़ा धोने के बाद ना आप इसको एक दफ़ा ज़रूर डिप किया करें, क्योंकि आपकी स्किन का मामला है। इससे ये होगा कि थोड़ी सी इनसे ना जर्म्स वगैरह एक्स्ट्रा हट जाएंगे। सिर्फ दो मिनट इनको डिप करना है, उसके बाद हटा लेना है, ज़्यादा डिटॉल नहीं डालना, फिर ऐसे आपको लगेगा कि आप मेकअप के बजाय कोई हॉस्पिटल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बस दो मिनट के लिए इसको डिप करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। चलें जी, ये हमारा हो गया काम पूरा। सारे ब्रशेस को मैंने इस बास्केट के अंदर डाल दिया है, अब जो है वो मैं इसे बाहर थोड़ा सा टेरेस पे रखूँगी ताकि थोड़ी सी इनको हवा वगैरह लगे और ये ड्राई हो जाएं, उसके बाद फिर मैं इनको अंदर। ये बास्केट जब भी मैं देखती हूँ ना तो मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं अपने माँ बाप के लिए। माँ बाप दुनिया का बड़ा ही अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये जो बास्केट है ना, डिफरेंट किस्म की बास्केट्स मुझे मेरी मामा देती रहती हैं कि मैं हाँ ये चिकन वगैरह धोने के काम आएगी, ये सब्जियां धोने के काम आएगी। और आज वाकई जब ये मेरे काम आती हैं ना तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है कि माएँ जो है ना वो हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखती हैं अपने बच्चों की। तो अल्लाह पाक मेरे समेत सबके माँ बाप को लंबी ज़िंदगी अता करे, और जिनके नहीं हैं अल्लाह पाक उनके आगे के मामलात आसान करे। अच्छा, यहाँ पे गोभी जो है वो रख दी है, मैंने इसको ढक दिया था कि ताकि ज़रा जल्दी ही ना इसका काम हो जाए, वरना गैस से ना मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, गोभी को जो है ना वो एक पूरा प्रॉपर उबाला जो है वो आ गया था, अब मैं इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन करके इसमें निकाल रही हूँ। ये पानी जो है वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, ठीक है। और गोभी को हम एक दफ़ा और निथारेंगे साफ़ पानी से। अच्छा, अब मैं डालूंगी पैन में ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, बस इतना सा ऑयल, लाइक क्वार्टर कप जितना। और गोभी को जो है ना वो मैंने एक और पानी में डाल दिया था, इसको इस तरीके से निकाल के मैं ऑयल में डालूंगी। अब हम गोभी को जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। आप लोग बोलेंगे भी इतनी जो है लंबी रेसिपी, कोई लंबी रेसिपी नहीं है, बस एक दफ़ा जो है आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर आपको खुद मज़ा आने लगेगा इसको बनाने में और खाने में भी। और इसमें थोड़ी सी ना हम हल्दी ऐड करेंगे, ठीक है। और अब जो है वो हम गोभी को लाइट सा फ्राई करके फिर निकाल देंगे। यहाँ इसको छोड़ के अब हम जाते हैं बाहर, थोड़ा सा कुछ धनिया वगैरह भी पड़ा था और लहसुन अदरक भी आया हुआ था, तो मैंने कहा उनको भी जो है ना वो मैं छील के साफ करके और फ्रीज कर दूँ। पहले मैं लहसुन का पेस्ट बनाती थी, बट अब जो है वो मैं सिर्फ इनको छील के रख देती हूँ फ्रीज़र में, और फिर जब ज़रूरत हो फिर उसका फ्रेश पेस्ट बना लेती हूँ। दोरी डंडे में बहुत अच्छा जायका आता है उससे। अच्छा, ये भी मेरी मामा की टिप थी कि अगर आप लहसुन को पानी में भिगो के रखेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी इसका छिलका भी उतर जाएगा और चिपकेगा भी नहीं आपके हाथों से। गोभी को जो है ना वो भून के मैंने निकाल लिया था, अब ये मीडियम साइज का अनियन है ये मैं डाल रही हूँ और इसको हल्का सा जो है ना वो भूनेंगे, ठीक है। चलो, मगरिब की अजानें शुरू हो गई। यहाँ पे अनियन को फ्राई करने रखा है, और ये देखें जी लहसुन, इसमें आपने जिंजर का यूज़ ज़्यादा करना है, ठीक है, वो इसकी गैस को कट ऑफ करता है। अच्छा, जिंजर, गार्लिक और एक हरी मिर्च डाली है, और साथ मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है, इससे आसानी से जो है वो जल्दी जल्दी कूटा जाता है इसको। ये देखिए, लहसुन अदरक को मैंने छील के साफ करके रख दिया है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैं जिप लॉक बैग में जो है ना वो डाल के रखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि एक तो ये जगह कम घेरता है और दूसरा ये आपस में चिपकते नहीं है, मतलब कि आप इजीली लहसुन या अदरक को अकेला अकेला भी निकाल सकते हैं अगर किसी डिश में जो है वो आपने सिर्फ लहसुन या सिर्फ अदरक यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप मैं आपको ये देने लगी हूँ कि लहसुन अदरक या प्याज छीलने के बाद हाथों से जो स्मेल आती है ना उसको कैसे दूर किया जाए। थोड़ा सा पानी लें, उसमें एक
या दो ड्रॉप्स जितना शैम्पू ऐड करें, जो भी आप शैम्पू डेली बेसिस पे मतलब जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं वो आप इसमें डालें और हाथों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसमें भिगो के रख दें दोनों हाथों को, ठीक है। इससे जो है ना बिल्कुल आपके हाथों की स्मेल चली जाएगी। आपने भी कहना है आज जो है ना वो मलिहा ने शामत लाई हुई है शैम्पू और बॉडी वॉशेस की, लेकिन यार कोई नहीं, कौन सा हम लोग हर रोज़ ब्रशेस धोते हैं या हर रोज़ हम लहसुन अदरक छीलते हैं। मैं तो उसी तरह करके रख देती हूँ, आप लोग भी ऐसे करें, इजी है। और सबसे बड़ी वजह, ये टिप उन लोगों के लिए जिनके हस्बैंड्स को बहुत मसला होता है कि यार क्या हम घर आते हैं तो हाथों से लहसुन अदरक और प्याज की स्मेल आ रही होती है, जो चीज़ दो उसमें भी स्मेल होती है, मेरे हस्बैंड को बहुत इश्यू होता है। तो आप लोग ये वाला टोटका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। फाइनली गैस जो है वो आ गई है, तो मैंने सोचा कि अब, क्योंकि जब मैं प्याज जैसे ही मैंने डाले ना इसके अंदर तो गैस फौरन चली गई। अब ये देखिए हल्के हल्के से जो है ना वो पिंक कलर के हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करनी वरना काली शाह गोभी बनेगी, काली शाह। अच्छा, ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैं थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट, इसका अरोमा बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसको अब आपने भून लेना है और अब मैं इसके अंदर एक दो स्पाइसेस ऐड करूँगी। हल्दी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने पहले ही डाल दी थी फ्राई करते वक्त। नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्च का पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। तो मिक्स करेंगे, हल्का सा मसाला भुना है। ये एक तकरीबन बड़े साइज़ का या फिर दो स्मॉल साइज़ के टमाटर थे ये इसके अंदर ऐड करके अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और पानी जो है ना वो मैंने इस दोरी में डाल के रख दिया ताकि इसके अंदर भी जो लेफ्ट ओवर लहसुन अदरक का पेस्ट है वो उसके साथ यूज़ हो जाए, ठीक है। इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे और गोभी डालने के बाद हम इसको जो है वो फिर से भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर इसमें हल्का सा पानी का छींटा देके मैं इसे दम दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि फिर गोभी हलवा बन जाएगी और हलवा बनी हुई सब्ज़ी ना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सब्ज़ी हमेशा खिली खिली अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़े से कपड़े भी जो हैं वो प्रेस कर लिए हैं, वो जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें ही कह रही थी मैं कि मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो मैंने किए नहीं थे, कुछ प्रेस करके खड़े कर दिए हैं और कुछ ये हैं। ये देखें जी यहाँ पे ब्रशेस भी साफ, इनको भी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट। और एक और चीज़ जो मैं दिखाऊं वो ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर, इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफी हो गया ना धोने के बाद से। अच्छा जी, अब बारी आती है इसमें टिप नंबर 2 की। तो टिप नंबर 2 क्या थी, एक जो है ना वो आपने तकरीबन 1 टीस्पून जितनी अदरक लेके उसकी उस तरीके से कद्दूकश कर लेना है और वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। इससे जो इसकी एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत इसमें वो कहते हैं ना वही, हमारी ज़बान में तो वही कहते हैं, अब अल्लाह जाने आपकी ज़बान में उसे क्या कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बहुत भी वो गैस वाला होगा ना सिस्टम वो भी बिल्कुल उससे ठीक हो जाएगा। तो इसको डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने 2 से 3 मिनट का दम देना है और धनिया सर्व करते वक्त डालेंगे। इसका ढक्कन इतना भारी है ना, ऐसे लगता है किसी देख का ढक्कन उठा रही हूँ। रोटी बन गई है, रोटी मैंने रख दी है दस्तरखान में और सालन जो है वो गर्म हो रहा है। अब मैं यहाँ पे रखने लगी हूँ अपनी वेट लॉस ड्रिंक जो कि आज से मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि पहले बहुत ठंड थी तो मैं ना पी रही थी कावा और ना ही कोई वॉक वगैरह कर रही थी, लेकिन अभी जो है ना वो मैंने दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 से 1.5 कप जितना पानी, उसमें एक ये टुकड़ा जो है ना अदरक का, ये क्वार्टर भी नहीं बल्कि यस क्वार्टर टीस्पून जितनी जो है ये है मेरे पास अजवाइन, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। बहुत गर्म होती है, ज़रा एहतियात से कीजिएगा। उसके बाद जो है वो 1/2 टीस्पून जितना ये है मेरे पास है सौंफ, ये मैं इसके अंदर ऐड करके इसको चढ़ा रही हूँ। जब तक मैं खाना वगैरह खाऊंगी, नमाज पढ़ूंगी, तो ये कहवा मेरा रेडी होगा। ये तकरीबन इसको इतना बॉयल करना है कि ये 1 कप जितना रह जाए, ठीक है, मतलब कि 30% इसको आपने पका लेना है। यहाँ पे जी मैं खाना खाने लगी हूँ, आपकी मज़े की जो है ना वो बगैर गैस वाली गोभी तैयार है। इन टिप्स के साथ ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। आलू अब मुझसे टूट नहीं रहा है हाथ से, ये पहला बाइट आप सबके नाम। यहाँ पे ड्रिंक जो है ना वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब इसको छान के जो है ना वो मैं मग में डालूँगी
अच्छा कुछ आपको जो है वो मैं वॉकिंग टिप्स देने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी, इसको आपने ना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा इसकी तासीर जितना पकाएंगे उतनी गर्म होती जाएगी। जिन लोगों को गर्माइश का प्रॉब्लम है वो बेशक इसको एक दिन के गैप से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये मेरी है नाइट वेट लॉस ड्रिंक। और अच्छा इसको लेके अब मैं जाऊंगी और थोड़ी सी वॉक करूंगी। तो वॉक करने की क्या टिप्स हैं कि जो आपने अपनी स्पीड है ना वो पहले पहले नॉर्मल रखनी है, बिल्कुल आपने हाई स्पीड अपनी नहीं रखनी है क्योंकि फिर आप इससे बहुत जल्दी थक जाएंगे। नॉर्मल स्पीड रखनी है, टहलनी नहीं है, थोड़ी सी स्पीड आपने रखनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। पहले आपने आधे घंटे से शुरू करनी है, उसके बाद जो है वो आपने इसको, हेडफोन भी उठा लेते हैं हम क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत है। अच्छा आधे घंटे की स्पीड रखनी है, उसके बाद जो टाइमिंग रखनी है, उसके बाद जो है वो आपने अपनी टाइमिंग इंक्रीज करती जानी है घंटे पे, फिर डेढ़ घंटा, इतनी यहाँ तक आपने टाइमिंग लेकर आनी है अपनी। क्योंकि अगर आप लोग पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम पहले दिन जो है वो इतने मोटिवेट होकर घंटा वॉक करेंगे और उसके बाद जो है वो क्या नाम होता है बहुत ज़्यादा स्पीड भी रखेंगे तो दूसरे दिन क्या होगा कि आपने ठुस हो जाना और आपसे बिल्कुल वॉक नहीं होनी। और जो थोड़े से ज़्यादा मोटे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो फिलहाल सबसे पहले 20 मिनट्स रख लें। 3-4 दिन का आपने ज़रूर टारगेट रखने हैं कि एक ही जो है वो 3-4 दिन एक ही स्पीड पे एक ही टाइमिंग पे आपने वॉक करनी है, मतलब एक ही टाइमिंग जो है ना वो आपने रखनी है वॉक की। उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता 10-10 मिनट्स बढ़ाते जाना है, ठीक है जी। तो अब मैं कहवा एंजॉय करती हूँ, साथ में हेडफोन भी पकड़ लिया है। जी वॉक हमारी हो गई है, तो अभी जो है वो लेटने से पहले मैं आपको अपनी नाइट रूटीन बता दूं। अच्छा नाइट रूटीन में या तो मैं इस्तेमाल करती हूँ ये वाली अपनी मॉइस्चराइज़र या फिर मैं ये यूज़ करती हूँ डर्मोटीन। मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इससे पहले किसी भी जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में ज़रूर मतलब कि पूछ लें, सजेस्ट करवा लें, उनसे पूछ लें। ऑयली स्किन वालों को ये बहुत सूट करती है, मैंने दो से तीन लोगों को बताया था, उनको ये काफ़ी अच्छा। ये जो है ना स्पेशली जो है इसका क्या है पर्पज़ कि ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेजेस से प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। आप इसको डे में भी लगा सकते हैं, इसको नाइट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव ये डे में है। अगर आप बाहर जाने वाली हैं तो आप इसको यूज़ करें, बट अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछने के बाद, ठीक है। मैं इसको अभी नाइट में लगाने लगी हूँ, कभी मैं इसको डे में, अगर मैं डे में ये लगाऊँ तो नाइट में वो लगाती हूँ, अगर डे में वो लगाऊँ तो फिर नाइट में ये लगा लूँगी, ठीक है। इसका जो है ना मैं आपको कलर, इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी क्रीम को मैंने लगा लिया है और उसके बाद मेरी ये एक और जो रूटीन है वो ये है कि जब मैं मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाती हूँ डे में या नाइट में, 2 टाइम्स जो है वो मैं अपने फेस का जो है क्या कहते हैं उसको, उसकी एक्सरसाइज, लाइक एक्सरसाइज नहीं, जो फेस का मसाज होता है, फेस लिफ्टिंग का जो मसाज होता है वो मैं करती हूँ। उसमें इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगी कि उसको मैं किस तरीके से करती हूँ। 10-10 टाइम्स जो है वो मैं हर मोशन पे करती हूँ, 10 टाइम्स हर प्रेशर पॉइंट पे। तो उसके बाद मेरे पास है ये तिब्बत जो कि मैं बहुत अरसे से लगा रही हूँ और अब मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। जिनके लिए, जिनकी स्किन पे स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, उनके लिए तिब्बत भी बहुत अच्छी है और ये डर्मोटीन भी बहुत अच्छी है, ठीक है जी। तो तिब्बत लगाने के बाद उसके बाद मेरे पास ये वाली क्रीम है जो कि बिल्कुल ही ख़त्म, शुद्ध हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये वो वाली क्रीम है जो कि मैंने विंटर्स में आपको वाइटनिंग हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम बताई थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पूरी वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये मैं अपने हाथ वगैरह पे लगा लूँगी और उसके बाद लास्ट में क्या होगा कि मैं अपने जो है ना, आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर ले, मेरे पास लिप बाम भी है लेकिन वो ऑरेंज जो है ना फ्लेवर में मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं वैसलीन यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी है। तो आई होप सो कि आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अच्छा एक और चीज़, मुझे वॉक करने के दौरान मैंने जो है वो कहवा पिया था, अब कहवे पीने के 1 घंटे बाद आपने 1 गिलास पानी मस्ट पीना है। ट्राई करें कि वो नीम गर्म हो, नहीं तो जो नॉर्मल आपका टेम्परेचर वाला पानी है वो आपने पी लेना है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।